मैं मारूफ अली, आप देख रहे हैं एबीपीएस न्यूज़। आपका स्वागत करता हूं हमारे साथ खास कार्यक्रम में, खास बात प्रधान जी के साथ। तो एक बार हमारे न्यूज़ चैनल की तरफ से प्रधान जी को नमस्ते। प्रधान जी नमस्ते। आपका शुभ नाम क्या होगा प्रधान जी? मेरा नाम तो वेद प्रकाश सिंह है, लेकिन मेरी पत्नी प्रधान श्री गुप्ता। ठीक है। बाकी जैसे आप भी देख रहे हैं ये बीमारी कितनी बढ़ती जा रही है कोरोना काल में, और हम काफ़ी प्रधान लोगों से मिले हैं, आपके आसपास गांवों में मिले हैं, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई है। तो 5 सालों के अंतर्गत जो आपने प्रधानी या मैम ने की है, तो उसमें क्या आपकी कोई परेशानी आई है, तो उसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, परेशानी तो आई, सरकार की तरफ से भी परेशानी है, जैसे कि समय पे धनराशि नहीं उपलब्ध हो पा रही है विकास के लिए, और हो भी गई, काम भी करा दिया तो उसका पेमेंट नहीं मिल पाता। डेढ़ दो महीना हो जाते हैं, पेमेंट नहीं हो पाता, जिससे मजदूर परेशान होते हैं बेचारे, समय पर जो है पैसा नहीं मिल पाते। तो जैसे 5 साल की प्रधानी में ऐसा कोई यादगार, ऐसा कोई पल आया हो जो आपके मन में लगा हो कि हाँ ये अच्छा है, लोगों को मन उम्मीद करता है हमारी तरफ से, या क्या ऐसी खास बात रही जिससे आप बने रहे गांव वालों के साथ? देखो जी, ये तो जनता का प्यार है। दूसरी बार प्रधान है, इन पत्नी यहाँ से पिछली योजना में थे और इस बार भी, तो व्यवहार को देख के जनता चुनती है आदमी के, और आदमी का सबसे उत्तम व्यवहार होता है, और उसकी प्यार मोहब्बत होती है जब जनता जो चुनती है, ऐसी चुनती है किसी व्यक्ति में, बहुत सोच समझ कर चुनती है। ये आपके बहुत सही कहा आपने। बाकी हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कार्यप्रणाली बढ़ती जा रही है, और ये 25 दिसंबर को कार्यकाल की वीडियो के साथ देने वाले हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं? सरकार ने आदेश कर दिया है कि 25 दिसंबर के बाद एडीओ पंचायत के साथ प्रधान का खाता खुलेगा और उसके मालिक ऑल्सो एडीओ पंचायत ही होंगे, तो ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक जो भी समय पड़ता है प्रधानी का कार्यकाल आगे चुनाव होता है, तो उसके जो है ऑल्सो मालिक प्रधान ही होने चाहिए, ये हमारा सरकार से निवेदन है। जैसा कि आपने भी देखा है और हम भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी जो न्यू कार्य होते हैं, आवास योजनाएं होती हैं, कुछ प्रधान जी अपने पास से भी करते हैं, तो उसकी अर्जी लगाई हुई होती है आगे, तो वो जो पेमेंट आती है गवर्नमेंट से, तो पेमेंट क्या टाइम टू टाइम आपके पास आई या उसमें कोई रुकावटें आई? कुछ टाइम पे भी आई, कुछ में रुकावट भी आई। तो ये जो इसका फैसला आया है 25 दिसंबर का, तो आप इसके लिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि आगे तक सभी प्रधानों की आवाज़ आगे तक पहुंच सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो 25 दिसंबर से आगे समय बढ़ता है, उसके जो कार्यकाल होगा, उससे उसकी जो कार्यकाल है वो पूरा प्रधानी उसको संभालें, प्रधानी अपने उसमें काम करें जैसे कि पहले से करते चले आ रहे हैं, तो वैसे ही जो है लास्ट तक प्रधान ही विकास के कार्य के ओरसोल मालिक रहे। तो जैसे कि प्रधान जी, अपने जो ये कार्यकाल रहा है 5 सालों के बीच में, तो उसके बारे में थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। हमने अपने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम, विकास का काम कराया है। यहाँ बहुत खराब रास्ते थे, सारे रास्ते बनवा चुके हैं, और एक दो छुट्टी गलियाँ रह गई हैं, और तो यहाँ तो यानी 95% काम विकास का हो ही चुका है। हम जैसे अभी हमारी टीम आ रही थी, तो हमने देखा कि काफ़ी गलियां और नल वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से सब प्रॉपर काम कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जैसे कि प्रधान जी ने बताया, उस तरीके से वर्क भी कर रहे हैं अपना। और दूसरा, जैसे प्रधान जी, ये विपक्ष पार्टी में जैसे देखा गया, ज़्यादातर लेटर पैड दे देते हैं, उससे प्रधान की समस्या बढ़ जाती है और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, और
कुछ मांगे हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो विपक्ष के लोग प्रधानों के खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्र देते हैं डीएम महोदय को, तो प्रधान के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाती है लेकिन उनके खिलाफ नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे भविष्य में प्रधानों के खिलाफ झूठे से प्रार्थना पत्र न दें। जैसे प्रधान जी आपको भी पता है और हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और काफी लोग तैयारी भी कर रहे हैं इलेक्शन की, तो इलेक्शन के बारे में आपका क्या कहना है इस बार के? इस बार के इलेक्शन के लिए जैसे जनता चाहेगी वो होगा। अभी तो मुझसे गांव के लोग कह रहे हैं लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, अभी मैं दो बार प्रधान बन चुका आप लोगों की मेहरबानी से, लेकिन आप किसी और को बना दो, अब मैं प्रधान नहीं करना चाहता। लेकिन वो अब जैसे जनता चाहेगी वैसे मैं उनके साथ रहूँगा। तो अब ये जनता जिस व्यक्ति को चुनेगी, ये तो जनता का अपना मत है, जिस चीज चाहे उसे चुन सकती है। ये बात बहुत अच्छी कही प्रधान जी ने, क्योंकि इन्होंने सारा जनता के ऊपर छोड़ दिया है, इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि मैं, जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने सब जनता के ऊपर छोड़ दिया है। अब देखना ये है कि जनता किस तरीके से चुनती है। बाकी हमने देखा काम बहुत अच्छा किया है प्रधान जी ने, और जैसे अभी दीपावली भी आ रही है, तो दीपावली पे क्या कहेंगे आप प्रधान जी? दीपावली से इसके बारे में और एक शब्द और कहना चाहूँगा, प्रधानों का मानदेय है 3500 रुपये मिलता है, तो वो भी सरकार समय पे नहीं दे पाती है, तो समय पे जो है प्रधानों का मानदेय मिलना चाहिए, ये मेरा सरकार से कहना है। और जो काम हम लोग करा चुके हैं अब तक विकास का, करीब 2 महीना हो गए हैं, उसका भी पेमेंट नहीं हो पाया, तब भी जल्दी से जल्दी पेमेंट होना चाहिए समय के अनुसार। और हमारा शौचालय भी बनवा दें हैं हमने, उसका भी पेमेंट हमें जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, तो ये मेरा सरकार से निवेदन है। और जो राज्य वित्त की चौदह वित्त की जो किस्तें हैं वो भी सरकार ने एक एक किस्त अभी जारी नहीं करी है, जबकि समय पूरा होने जा रहा है, तो वो भी किस्त सरकार भिजवाए ताकि प्रधान ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास कार्य कर सकें। तो जैसे प्रधान जी दीपावली आ रही है, लोग बाग पटाखे छोड़ते हैं, अन्य पदार्थ यूज करते हैं, प्रदूषण वगैरह के ज़्यादा फैलता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पटाखों के बारे में जैसे दीपावली आ रही है, तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि पटाखों का कोई भी प्रयोग ना करें, इससे प्रदूषण फैलता है। दीपावली तो बिना पटाखों के भी हो जाएगी, ये जो है बहुत ही खतरनाक चीज़ है पटाखा बारूद, इससे जान भी जा सकती है और जन कितनों की जानें जाती हैं इस बारूद से पटाखे से। तो ऐसी दीपावली मनाएं, खुशी की दीपावली मनाएं, रंज की दीपावली ना मनाएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है सभी ग्रामवासियों को दीपावली, भैया दोज और गंगा स्नान की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। जैसे कि हमारी बातचीत अभी पहले भी हुई थी प्रधान जी की से, तो उनका मानना यह है कि पटाखे वगैरह ना जलाएं दीपावली में, इससे बेहतर यह है जो लोग गरीब हैं, जिनके काम वगैरह रुक चुके हैं इस बीमारी से, तो उनके घरों में चिराग को जलाएं और उनके खाने पीने वगैरह का इंतजाम करें, पटाखे वगैरह ना छोड़ दें। मैं मारूफ अली, ABPS न्यूज़, कैमरामैन सागर प्रताप। नमस्ते भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा जी? तो जैसे कि हम अभी आए हैं आपके गांव में प्रधान जी से मिलने के लिए, उनके बारे में हमने काफ़ी बातचीत की, चर्चा की, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के दर्शक ये देखना चाहते हैं कि आपके तरफ से प्रधान जी है, ग्रामपति प्रधान जी, उनके बारे में आप चंद शब्द कहें। सब तो सही है हमारे प्रधान जी, हमारे तो कहानी बोल वैसे है। तो जैसे कि आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो कार्य होते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है प्रधान जी के लिए? हमारे कार्य सही, सब सही करेंगे। तो जैसे कि हम अभी ग्रामपति प्रधान जी के बारे में बातचीत करते हुए आ रहे हैं ग्रामवासियों से, तो हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिल रहा है। राहुल जी, क्या शुभ नाम होगा आपका? नाम जी, हम
ये जानना चाहते थे जैसे कि आपके यहाँ ग्रामपति प्रधान जी है, उनके बारे में आपको चंद शब्द कहें। उनके बारे में क्या कहना, हमारे यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं किसी प्रकार की भी, सब पूरा था हमारा बिल्कुल सही ठीक ठाक है। तो प्रधान जी के कार्यकाल में आपको दादाजी कोई समस्या तो नहीं आई कैसी भी? कोई समस्या नहीं, मेरी घरवाली जो है वो जो सदस्य है बीजी वो उसकी पंचायत सदस्य, अब इसके बारे में भी कोई परेशानी नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से हमारे गाँव कोई परेशानी। जैसे कि आप देख रहे थे हम आए हुए हैं, हमने काफ़ी ग्राम प्रधानपति जी के बारे में बातचीत की, चर्चा की और उनसे भी बात करी हमने, उन्होंने काफ़ी हमें कुछ बताया, कुछ दीपावली के बारे में बताया, अपने कार्य का कार्य प्रणाली के बारे में बताया और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हमारे चैनल के माध्यम से।